Assalamualaikum guys, this is Abdul, welcome back to my YouTube channel. तो guys, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं गांव गया था, तो डेढ़ महीना बाद फिर आया हूँ. तो आने के बाद भाई मेरा बाइक में फिर इंजन सीज हो गया था, फिर उसको इंजन किया, बहुत खर्चा भी आ गया था मेरा, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया. तो आज से मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ. गाइज, एक कस्टमर है, तो कस्टमर मेरे को रात में मतलब व्हाट्सएप में डिटेल्स भेज देता है ऑर्डर का. तो ये ऑर्डर आपको किधर से पिकअप करना है और किधर ड्रॉप करना है. तो ये जो ऑर्डर है ना, मतलब आंध्रा से आया था. मेरे को बोला गया था मारथली मल्टीप्लेक्स के पास रुको, उधर एक आंध्रा से बस आएगा, तो उधर से ये पार्सल कलेक्ट करके डिलीवर कर देना. तो मैंने फटाफट जाके वो पार्सल को पिकअप कर लिया. तो ये दो पार्सल था, तो एक था ब्लड सैंपल, तो उसको मैंने जो लैब है उसको उधर डिलीवर कर दिया. और जो दूसरा पार्सल है वो बैंक का एक डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको भी मैंने कनाडा बैंक पे डिलीवर कर दिया. तो ये जो मतलब डिस्टेंस है टोटल, मैंने 26 किलोमीटर ट्रैवल किया था, तो उसका मेरे को 350 रुपीज़ मिला है. तो फिर दूसरा ऑर्डर आया मेरे को एक वाइट फील का, जिसका अमाउंट था 267 रुपीज़. ये जो बैग है, इस बैग को लेके जाना है, इसका मेरे को मिला है 267 रुपीज़. चलो फटाफट इसको डिलीवर कर देता हूँ. तो गाइस, कस्टमर का लोकेशन पर आ गया है, तो ये जो बैग है इसको डिलीवर कर देता हूँ कस्टमर को. तो गाइस, मैंने कस्टमर को पार्सल दे दिया है, तो ये टिप को मैं एंड कर देता हूँ. तो ये जो ऑर्डर के अमाउंट है ना, तो कस्टमर पोर्टल में मतलब ऑनलाइन पेड कर दिया है, तो इसमें ज़ीरो कैश कलेक्ट बता रहा था. तो मैंने टिप को एंड करके फिर कस्टमर को रेटिंग दे दिया. फिर थोड़ी देर बाद मेरे को फिर एक ऑर्डर आया, तो इस ऑर्डर का अमाउंट था 374 रुपीज़. ये जो ऑर्डर है ना, मतलब वाइट फील से पिकअप करना है. ये जो ऑर्डर है मतलब रेस्टोरेंट से पिकअप किया है मैंने, तो इसमें फूड है, मतलब खाने का चीज़ है. तो इसका टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर. तो 25 किलोमीटर में 374 रुपीज़ है, तो 74 रुपीज़ पोर्टर वाले कमीशन काट के मेरे को इस ऑर्डर को 300 मिलेगा. तो चलो फटाफट इस ऑर्डर को डिलीवर कर देता हूँ. तो गाइज, मैंने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया है, तो मैं टिप को पहले एंड कर देता हूँ. तो इस ऑर्डर का अमाउंट था 374 रुपीज़, तो कस्टमर मेरे को 400 रुपीज़ दिया है. तो रख लो बाकी का, मेरे पास चेंज नहीं है. तो फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे पास फिर दोबारा एक ऑर्डर आया, जिसका अमाउंट था 216 रुपीज़. ये जो ऑर्डर है मतलब केयर फ्रॉम में लेके जाना है. तो गाइस, इस ऑर्डर का जो पिकअप डिस्टेंस है वो 650 मीटर है. तो मैंने फटाफट जाके ऑर्डर को मतलब पिकअप करके फिर ड्रॉप लोकेशन पे भी आ गया. तो गाइस, कस्टमर मेरे को बोला है जो पार्सल रिसीव करेगा ना, तो उसका एक मेरे को बिल दिया, तो सिग्नेचर करके मेरे को व्हाट्सएप में वो बिल भेजो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ. तो मैंने फटाफट जाके वो पार्सल को डिलीवर करके कस्टमर का सिग्नेचर करके वो सर को मतलब कस्टमर को व्हाट्सएप में भेज दिया है. तो कस्टमर मेरे को पेमेंट भी कर दिया है. तो गाइस, बहुत टाइम वेट करने के बाद मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा था पोर्टर में. तो मैंने अंकिल डिलीवर का एक ऑर्डर किया था 153 का, उसके बाद उसमें भी ऑर्डर नहीं आया था. तो मैंने फिर ओला चालू किया, तो ओला में एक ग्रोसरी का ऑर्डर आया था 100 रुपीज़ का, जो मेरे को पिकअप करना था एम के रिटेलर बोल के, जो एक सुपर मार्केट है, उधर से पिकअप करना था. तो इसका जो मतलब ड्रॉप डिस्टेंस था वो 6 किलोमीटर था, उसको मेरे को 100 रुपीज़ दे रहा था. तो गाइस, इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद मतलब दूसरा ऑर्डर भी नहीं आ रहा था. तो मतलब शाम को 6 बज गया था, तो मैं रूम के पास भी था, मेरा रूम के पास. तो मैंने क्या किया, ड्यूटी को ऑफ कर दिया. मैंने टोटल आज ट्रैवल किया 111 किलोमीटर, अप्रोक्स 200 का पेट्रोल मेरा बाइक में किया है. आज का जो मेरा अर्निंग था, तो मैंने पोर्टर में अर्निंग किया था 700, अंकल डिलीवरी में 153 और ऑफलाइन अर्निंग किया 350 और ओला में 100 रुपीज़. मैंने 200 का पेट्रोल डाला था, 100 रुपीज़ का खाना खाया था. तो आज का मेरा टोटल अर्निंग था 1300. आज का मेरा प्रॉफिट है 1000 रुपीज़.